हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कनाडा की मशहूर शॉप बल्क पान, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। इस आइल से शुरू करते हैं। ये है इंडियन स्टाइल बासमती राइस विद स्प्राउटेड बीन्स, यानी हमारी खिचड़ी के दाल और चावल मिला के मिल रहे हैं। येलो कलर के प्राइस टैग से पता चल रहा है कि इन राइस पर सेल है। ये है मिक्स दाल, लोबिया, साथ साथ आप प्राइस भी देख सकते हैं। सोयाबीन है 99 सेंट्स के 1 पाउंड, सफेद चने हैं $1.59 के 1 पाउंड। ये है हमारी लाल मसूर की दाल और है काली मसूर। अगर चने की दाल चाहिए तो वो भी है, 1 पाउंड या 1 LB के साथ 100 ग्राम्स का भी प्राइस लिखा है। आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, हर आइल में प्लास्टिक बैग्स रोल्स लगे होते हैं, आप उसमें डालते जाइए। अरे वाह, छिलके वाली मूंगफली भी है, तोड़ तोड़ के खाने में बहुत मजा आता है। खुद ही तोलना है इस तराजू में कि कितने ग्राम्स या कितने पाउंड है हमारा ये सामान। अलग अलग तरह का हनी मिल रहा है, साइड में कंटेनर्स रखे होते हैं, आप उससे फिल कर लो। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। ये है आइल चॉकलेट्स का। यहाँ पे हर वैरायटी मिलेगी आपको अपनी बेकिंग के लिए, अपनी डिशेस के लिए। जिस तरह की चॉकलेट चाहिए वो ही उठा लेते हैं। अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। इस आइल में आपको बेकिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। और बेकिंग ट्रेज और दूसरा सामान भी है। ये है नारियल का चूरा, बारीक और मोटा, और मीठा भी है और साथ साथ नॉर्मल वाला भी है। अब हम आ गए हैं पास्ता या मैकरोनी के सेक्शन में। अगर आप स्टूडेंट हैं या अलग रहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े पैकेट्स पास्ता के आप लेकर जाओ। आपको जो चाहिए, जितने पोर्शन में चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। दूसरी, यहाँ पर बहुत वेराइटीज़ है, ब्राउन राइस, मैकरोनी, शेल, स्पेगेटी सब है। आपका जैसा मन करे आप वो चीज़ यहाँ से उठा सकते हैं। सारे मसाले इस आइल में हैं। सौंफ और गरम मसाला, ये कॉर्नर वाला नंबर गरम मसाले का नंबर है। ये नंबर लिखना होता है आपको इस टैग पर, जो टैग काम आता है इस प्लास्टिक बैग का ऊपर वाला पोर्शन बंद करने के लिए। ये छोटी छोटी बातें नए लोगों के लिए बहुत काम आती हैं। बल्क बैंड में 4000 से भी ज़्यादा फूड आइटम्स मिलते हैं और आपको हर तरह का फूड यहाँ पर मिलेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स आपको दिखा सकूँ। आपको बल्क बैंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको एक बात तो माननी होगी, जब आप बल्क में इतना सारा खाने का सामान देखते हो तो आपको पुराने मार्केट से याद आने लगते हैं, जहां पर जितना चाहिए आपने तुलवाया और वो सामान ले लिया।
मुझे बल्क बार में आकर पुरानी दिल्ली का मार्केट या वहाँ की दुकानें याद आने लगी। कंट्री चाहे कोई भी हो, ट्रेडिशन, कल्चर और फूड सब एक दूसरे से मिलते हैं। हम और आप ऐसे ही नई नई जगहें घूमते रहेंगे। मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। बाय।